एक शब्द है परमानेंट। मुझे लगता है लाइफ में परमानेंट फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि टैटू परमानेंट हो सकता है। वो इसलिए जमाने से बात चली आ रही है कि टैटू बहुत अलग चीज़ मानी जाती है, लेकिन मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि टैटू अच्छी चीज़ है, अच्छा फैशन, क्योंकि फैशन बदलते रहते हैं। टैटू का फैशन अभी तक नहीं बदला है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है और अभी तक है एक्चुअली। कई सारी धारणा भी हैं, लोग अलग अलग चीज़ें समझते भी हैं टैटू के बारे में, कुछ नेगेटिव फीडबैक हैं, कुछ पॉजिटिव फीडबैक हैं, लेकिन मेरे लिहाज से टैटू एक अल्टीमेट चीज़ है। तो दोस्तों टैटू बनानी चाहिए, बिकॉज मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और परमानेंट की बात करें तो सिर्फ यही एक चीज़ परमानेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं तपेश माथुर, फाउंडर डायरेक्टर आर्ट एंड आर्ट अकेडमी, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रोफेशनल टैटू डिप्लोमा कोर्सेज फॉर 1 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज आते हैं और सभी कोर्सेज प्रोफेशनली नहीं होते हैं, लेकिन टैटू एक प्रोफेशनल कोर्स है और मुझे लगता है कि इस कोर्स को प्रोफेशनली लेकर आना चाहिए लोगों के। मैंने स्टार्टिंग करी है टैटू कोर्सेज के लिए आपके लिए। इसमें हम लोग ये बताएंगे आपको कि क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाता है, क्लाइंट से पैसे के बारे में क्या डिस्कशन होना चाहिए, अमाउंट कैसे चार्ज करना चाहिए और टैटू के चार्जेस कैसे लिए जाते हैं, टैटू कहाँ बनाना चाहिए, बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ बनना चाहिए, फीमेल टैटू है तो कैसा होना चाहिए, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए, और सजेशन भी देने चाहिए, क्योंकि टैटू क्लाइंट को नहीं पता होता टैटू कैसे बनाने चाहिए, क्या बनाने चाहिए, वो बनवा लेते हैं। तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि टैटू के अंदर क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टैटू में हम आपको ये सिखाएंगे स्किन के बारे में कि कहीं स्किन हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, केमिकल्स के बारे में बताया जाएगा आपको, मशीन के बारे में बताएगा, मशीन की कई सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से मशीन ऑपरेट होती है, मशीन को खोल के बताएंगे उसका मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए FNQ बहुत ज़रूरी, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज टैटू सुनने में लोगों को लगता है ये डेंजरस है, पेन होता है, दर्द होता है, कैंसर हो जाता है, ये सभी धारणाएं आपकी दूर करूंगा मैं इस डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर। सो गाइज हमारे कोर्सेज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल। ये जयपुर में भी चालू होने वाला है, कोटा में चालू हो चुका है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख के जा चुके हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट स्टूडियो फेमस आर्टिस्ट बन चुके हैं, आपको भी आ जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, हरी अप गाइज। और अधिक जानकारी के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9255100000। थैंक यू सो मच।